हेलो फ्रेंड्स, तो चलते हैं, देखिएगा आज हम आपको एक और ये नए डिजाइन के लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बना के बताएंगे। तो ड्रेस हम बनाएंगे ये 2 से 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो देखिएगा 2 से 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाएंगे। और इसे बनाने के लिए हमने 2 कलर ले लिए हैं, ये हमारा येलो कलर है और ये हमारा रेड कलर है। और 10 नंबर 11 नंबर की हमने सिलाई ली है, क्योंकि देखिएगा हमारी थोड़ी पतली ऊन है तो आप इसे क्रोसिया में भी यूज कर सकते हो और 11 नंबर से इसको यूज करना। तो फ्रेंड्स, अब बना के बताते हैं हम किस तरीके से हमें बनाना है। तो हमें बनानी है इस तरीके से 2 पट्टी। देखिएगा जैसे हमने एक पट्टी बना ली है तो एक पट्टी हम और बना लेते हैं। सिंपल सिंपल बनानी है ये, बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान है देखिएगा, और कम समय में बनके भी तैयार हो जाती है। तो ये हमने इसमें 28 फंदे डाल लिए हैं। पहला फंदा हम इस तरीके से उतार लेते हैं, धागा अपनी तरफ किया और सभी फंदों को बनाएंगे इस तरीके से, ये उल्टा उल्टा। बनाने में आसान है और देखने में काफी सुंदर लगेगी और पहनाने में भी लड्डू गोपाल जी को बहुत ही सुंदर लगती है और अच्छे से फिट हो जाती है। इस तरीके से हम सभी फंदों को इधर से उल्टा उल्टा बनाएंगे इस तरीके से। देखिएगा सभी फंदों को हम इस तरीके से बना चुके हैं, लास्ट का फंदा बचा है इसको बनाएंगे सीधा। हमने सीधा बनाया और इधर से देखिएगा हम लगाएंगे रेड कलर को उल्टी तरफ से। अब बीच में हमारा रेड कलर आ जाएगा, साइडों में येलो कलर। इस तरीके से हम इस तरीके से, तो इसके उल्टी तरफ से उल्टा उल्टा और सीधे तरफ से भी उल्टा उल्टा, जैसे हमने येलो को बनाया है तो इसकी हम बनाएंगे टोटल 4 सिलाई, 2 उल्टे तरफ से और 2 सीधे तरफ से। तो बना लेते हैं, आपको फिर दिखाते हैं। तो देखिएगा हमने 2 सिलाई बना ली है रेड से, अब हम उल्टे तरफ हैं तो उल्टे तरफ से हम इसको येलो को बनाएंगे और येलो को बैक साइड से बनाने के बाद में 1 सिलाई सीधे तरफ से बनाएंगे उल्टी उल्टी। उल्टी उल्टी बनाने के बाद में देखिएगा हम आपको दिखाएंगे सीधे तरफ से 1 सिलाई। अब हम उल्टे तरफ हैं तो हमारी पूरी पट्टी बनके तैयार हो गई है, क्योंकि शोल्डर के लिए आएगी और हमारे लड्डू गोपाल जी के जो शोल्डर होते हैं दोनों पट्टियों को मिला के पूरा अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो इस तरीके से 2 फंदों को एक करते हुए सभी फंदों को ये हम कर देते हैं बंद। ये इस तरीके से 2 का 1 किया, वापस से सिलाई में डाला, फिर से 2 का 1 किया, इस तरीके से सभी फंदों को बंद कर देते हैं। देखिएगा यहाँ से बंद होती आ रही है इस तरीके से। तो देखिएगा ये पट्टी यहाँ से बंद हो गई, एक फंदा बचा, उसको हमने नोट लगा के कि सुई में धागा डाल लिया है। और इस तरीके से देखिएगा इसको हम रखेंगे बाहर की अंदर की साइड और इसको हम बाहर की साइड रखेंगे, क्योंकि शोल्डर पर थोड़ा सा सही रहेगा। इसको हम इस तरीके से देखिएगा कुछ इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक इसको सिल लेंगे, फिर इधर से थोड़ा सा इसको इस तरीके से, तो ये ऐसे आएगी चूली। तो देखिए पहले सिल लेते हैं, इधर से सिल लेते हैं, इधर हमारा धागा है ऐसे, उसको पूरा नहीं ढकेंगे यहाँ से, देखिए येलो से इस तरीके से येलो को मिलाते हुए थोड़ा सा इसके ऊपर टच करेंगे इसको इस तरीके से यहाँ से। तो थोड़ा सा यहाँ तक सिल लेते हैं,
इसको यहाँ तक सिल लेते हैं। तो देखिएगा इधर से हमने इसको सिल लिया है, अब थोड़ा सा हम इसको इधर से इस तरीके से देखिएगा थोड़ा इसके ऊपर से टच करते हुए इसको जॉइंट इस तरीके से कर देंगे, इस तरीके से। तो यहाँ से ये हमारा यहाँ से सिलेंगे इसको, जैसे हमने पहली पट्टी को सिला इसको। इतना रखेंगे जिससे हमारा लड्डू गोपाल जी का सर अच्छे से इसमें चला जाए। इसको इतना हम खुला रखेंगे, देखिएगा इसको हम अच्छे से सिलेंगे। तो देखिए इतने में लड्डू गोपाल जी का सिर अच्छे से चला जाएगा। थोड़ा सा और सिल लेते हैं, तो ये चोली हमारी कुछ इस तरीके से बनके रेडी है। देखिएगा इस तरीके से इसको हम यहाँ से नॉट लगा के बंद कर देते हैं, तो गला बन गया है यहाँ पे इस तरीके से। अब थोड़ा सा इसको हम, आप इसको किधर से भी रख सकते हैं, इस सीधा इस तरीके से यहाँ पे गला बन गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको उल्टा करके इस तरीके से देखिएगा थोड़ा थोड़ा इसको हम इतना सिल देते हैं, बाजू छोड़ के इधर से भी और थोड़ा सा इधर से भी। तो दोनों साइड से इसको थोड़ा थोड़ा सिल देते हैं, तो गला बन गया है यहाँ पे इस तरीके से। अब थोड़ा सा इसको हम, आप इसको किधर से भी रख सकते हैं, इस सीधा इस तरीके से यहाँ पे गला बन गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको उल्टा करके इस तरीके से देखिएगा थोड़ा थोड़ा इसको हम इतना सिल देते हैं, बाजू छोड़ के इधर से भी और थोड़ा सा इधर से भी। तो दोनों साइड से इसको थोड़ा थोड़ा सिल देते हैं। तो देखिएगा इस तरीके से चोली बन गई है। अब इसको करते हैं हम सीधा पलट के, हमने इसको पलट के सीधा कर लिया है कुछ इस तरीके से। तो देखिएगा ये हमारी चोली बन के रेडी हो गई है इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप चाहो तो बटन स्टोन वगैरह कुछ भी लगा लीजिएगा। तो इसके चारों तरफ देखिए इतनी कमर है, अच्छे से लड्डू गोपाल जी आ जाएंगे। तो इसके चारों तरफ से हम फंदे उठाएंगे, तो देखिएगा बिल्कुल पास पास के हर चैन के अंदर से हम इसमें से फंदे उठा लेते हैं। तो देखिएगा इस तरीके से हम उठाते हैं फंदे, इस तरीके से हर चैन के अंदर से धागा डाल के इस तरीके से। फिर आप कहोगे कि किस तरीके से फंदे उठाने हैं, तो इस तरीके से फंदे उठाने हैं, इस तरीके से। तो इसके चारों तरफ से फंदे उठा लेते हैं, आपको फिर दिखाते हैं। देखिएगा इसमें हमारे 27 फंदे उठ चुके हैं। यहाँ से फंदे नहीं उठ रहे थे, हमने इसलिए इसको एक साइड से खोल लिया है। ये आप चार सिलाई में से गला बनाते हैं उसमें बना लो, तो चार तरफ से फंदे उठ जाएंगे, इसलिए हम इसको बाद में सिल देंगे। पहले हमने इसको खोल दिया है क्योंकि घेरा बनाने में दिक्कत हो रही थी। अब हम उल्टी तरफ से सभी फंदों को ये उल्टा उल्टा इस तरीके से बना लेंगे। तो देखिएगा हमने उल्टी तरफ से बना लिया है। अब हम सीधे तरफ हैं, तो सीधे तरफ से हम इसको पहला फंदा उतारते हैं, धागा अपनी तरफ किया, सभी फंदों में से एक बार बढ़ाया, देखिएगा धागा आगे तरफ अपनी तरफ किया, फिर दो बार, एक फंदे के तीन फंदे बनाए, देखिए धागा अपनी तरफ है, ये जाली डालते हुए एक बार बढ़ाया, फिर धागा अपनी तरफ इस फंदे को दोबारा बनाया। फंदे को सिलाई पर रहने दिया है, और आप इस तरीके से भी इसको बढ़ा सकते हो, एक बार आगे से बढ़ाया और एक बार पीछे से। तो यहाँ पर दो ही फंदे बढ़ेंगे, ये इस तरीके से हम बढ़ाते हैं। देखिएगा ये जाली डाली एक बार, धागा अपनी तरफ किया इस तरीके से, एक फंदे में से अब तीन फंदे बन जाएंगे हमारे। इस तरीके से इन सभी फंदों को हम बढ़ा लेते हैं। तो देखिएगा हमने एक बार तो फंदे बढ़ा दिए हैं, पहले हमने डबल करके फंदा बढ़ाया था, एक फंदे में से तीन फंदे बनाए थे, तो दो फंदे हमारे बढ़ गए थे, एक फंदा हमारा जो था वही बना था। तो अब हम बनाएंगे, देखिए हर फंदे में से एक फंदा बढ़ाएंगे। पहला फंदा उतार लिया हमने, अब धागा अपनी तरफ किया
ये जाली डालते हुए देखिएगा, फिर से धागा अपनी तरफ किया, फिर जाली डाल के बनाया, फिर धागा अपनी तरफ किया, फिर जाली डाल के बनाया। तो देखिएगा काफ़ी सारे फंदे बढ़ जाएंगे और घेरा भी हमारा अच्छे से आएगा फैला फैला बन के। इस तरीके से हम ये सभी फंदों में बना लेते हैं फंदे। और यहाँ पे देखिए जाली बनी है, इसमें आप डोरी भी डाल सकते हो। तो इस तरीके से और उल्टे तरफ से हम उल्टा उल्टा इसको बना लेंगे। तो बना लेते हैं इतना, फिर दिखाते हैं आपको। तो देखिएगा हमने इतना इसको बना लिया है। अब घेरे को तो इधर से हम बनाते हैं, देखिएगा रेड कलर को। तो यहाँ से हम रेड कलर को बनाएंगे। ये हमने चार फंदे बना लिए इधर रेड के, और दो हम येलो को उतार लेते हैं। ये हमने येलो को उतार लिए दो फंदे। अब देखिएगा फिर से हम चार फंदे ये अब बनाएंगे। बीच में हम साइड में हमने चार बनाए तो बीच में आठ फंदे बना देंगे। तीन चार पाँच छ सात और ये आठ, आठ फंदे हमने बना लिए। अब देखिएगा फिर से हम, या फिर आप यहाँ पे छह फंदे भी बना सकते हो अगर पास पास में इसको डिजाइन को डालना चाहें तो। छह फंदे बना के हमने दो फंदे येलो को उतार लिए हैं, धागा हमने यहीं पे छोड़ दिया येलो का, और हम बनाएंगे रेड से इस तरीके से। देखिएगा तीन चार पाँच छ, छह फंदे बना लिए। अब दो फिर येलो को उतार लिए बिगर बुने। इस तरीके से हम देखिएगा इसको बना लेते हैं, इस तरीके से बना लेते हैं आपको फिर दिखा। तो देखिएगा हमने चार फंदे हमारे इधर हैं रेड के और चार इधर हैं, तो दोनों साइड चार चार फंदे रखे हैं और बीच में छः छः फंदे। अब देखिएगा किस तरीके से इसको बनाना है। इनको हम बनाएंगे उल्टा उल्टा। पहला फंदा हम उतार लेते हैं रेड को इस तरीके से, इसको उल्टा उल्टा बनाया, धागा पीछे किया, और इसको येलो को हम अभी भी उतार लेंगे। फिर धागा आगे किया, फिर इसको उल्टा उल्टा बनाया रेड को इस तरीके से। जो जो ऐसा कलर होगा कलर वही बनाएंगे, और इसको रेड को बुनना है और येलो को इस तरीके से देखिएगा उतारना है, क्योंकि इसका धागा हम पीछे ही छोड़ आए हैं। इस तरीके से इसको ये बनाना है। अब देखिएगा इसे बनाने के बाद में हम रेड की एक सिलाई बना लेंगे इधर से उल्टे तरफ से और एक सीधे तरफ से। तो टोटल हम दो सिलाई बनाएंगे। उसमें क्या करेंगे हम, उसमें कुछ नहीं करेंगे, उसको सीधा सीधा बनाते हुए ऐसे ही ले जाएंगे। और ये जो हमारे रेड के येलो के हैं इनको भी हम रेड से बना लेंगे। जब बनाते हुए आएंगे तो अब सभी सभी फंदों को रेड से बना लेंगे। देखिएगा उल्टे तरफ से हमने इस सीधे तरफ से हमने इसको बना लिया है। अब उल्टे तरफ हैं तो उल्टे तरफ से हम सभी फंदों को ये इस तरीके से रेड से बना लेते हैं। येलो वालों को भी बना लिया हमने इस तरीके से देखिएगा, और रेड वालों को भी रेड से। और ये हमारे दो येलो के हैं, इनको भी अब रेड से बना लेते हैं ये इस तरीके से। अब देखिएगा सीधे तरफ से इसको हम, जैसे हमने यहाँ पे ही बनाया है उल्टा उल्टा, पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बनाते हुए चले आएंगे सभी फंदों को। तो बना लेते हैं आपको फिर दिखाते हैं। तो देखिएगा हमने इधर से रेड को बना दिया है इस तरीके से, पूरी सिलाई बना लाए हम। अब हम दोबारा से जैसे हमने इसको रेड को बनाया सेम तरीके से हम बनाते हैं येलो से। तो पहला फंदा देखिएगा, एक दो तीन और चार फंदे हमारे हो गए यहाँ पे। अब देखिएगा दो फंदे जो हमारे रेड के इनको उतार लेते हैं, और फिर चार फंदे फिर येलो से बनाएंगे। तीन चार, दो उतार लेंगे रेड के, फिर चार येलो से, और फिर दो रेड के। हाँ सॉरी, यहाँ पे हमने बीच में छः छः फंदे बनाए थे, सॉरी ये मैं ध्यान नहीं रहा। यहाँ पे
हम छः छः फंदे बनाए थे और साइडों में हमने चार चार फंदे बनाए थे। तो यहाँ पे भी हम देखिएगा, ये हमारे चार फंदे येलो के हो गए, दो रेड के, और यहाँ पे बीच में दो चार छः, छः येलो से और दो रेड के उतार लेंगे इस तरीके से बिना बने, और इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। और सीधे तरफ से भी हमने आपको रेड में बना के दिखाया था, तो सीधे तरफ से सेम उसी तरीके से इसको बनाना है जिस तरीके से हमने रेड को बनाया था, येलो को भी उसी तरीके से हम बनाएंगे। तो देखिएगा इस तरीके का डिज़ाइन आएगा, तो बना लेते हैं आपको, फिर दिखाते हैं ये पूरा डिज़ाइन बना के। तो देखिएगा घेरा हमारा बन चुका है, अब हम इसको बनाएंगे बॉर्डर। देखिए बॉर्डर हम बनाएंगे, एक रेड कलर की बनाएंगे, उल्टे तरफ से भी उल्टी और सीधे तरफ से भी उल्टा, सभी फंदों को देखिएगा। अब यहाँ से हम बॉर्डर शुरू कर रहे हैं, इसको हम सीधे तरफ से भी उल्टा बनाएंगे, इसके बाद में हम एक येलो से बनाएंगे, एक उल्टा और एक सीधा, दो सिलाई, फिर रेड की बनाएंगे। इस तरीके से हम ये तीन सिलाई बनाएंगे एक तरफ से, तो टोटल हमारी छः सिलाई हो जाएंगी। तो इस तरीके का हम बॉर्डर बना लेते हैं, देखिएगा इधर से भी इसको उल्टा बनाएंगे। तो देखिएगा इस तरीके का हमने बॉर्डर बनाया ये वाला, तो इसको हम ये दो का एक करके बंद करेंगे ऐसे, वापस से सिलाई में डाला, फिर दो का एक किया, वापस से सिलाई में डाला, और ये दो का एक किया, फिर वापस से सिलाई में डाला। और देखिएगा इस तरीके से सभी फंदे बंद हो चुके हैं, अभी धागा कट कर देते हैं इस तरीके से। देखिएगा दोनों धागों को इसके अंदर से निकालते हुए ये इस तरीके से, और पीछे की साइड लाके यहाँ पे इनको सिलाई से करके नोट लगा देंगे। तो देखिएगा ये ड्रेस तो बनके कंप्लीट हो चुकी है, इसको अब हमने पीछे से खोला था घेरा बनाने के लिए, तो इसको हम यहाँ से सिल देंगे। और ये देखिए बहुत सारे घुमा रखे हैं, अगर आपको बिल्कुल ऐसे फैली फैली रखनी है तो इसमें घूम, ये जो हमने दो बार फंदे बढ़ाए थे, एक बार तो बढ़ाए थे डबल फंदे करके, और एक बार मतलब एक फंदे में से तीन फंदे, और एक बार एक फंदे में से दो फंदे बनाए थे। तो ये इस तरीके से आएगी प्लेट वाली, देखिएगा ऐसे छोटी छोटी इसमें प्लेटें बन जाएंगी इस तरीके से, ये इस तरीके से पूरी ड्रेस में इस तरीके से। और यहाँ से हम इसको सिल देंगे, और देखिएगा यहाँ पे बटन और कुछ भी लगा सकते हैं, मोती वगैरह, स्टोन वगैरह, तो ये हमारी ड्रेस कुछ इस तरीके से आएगी। देखिएगा फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, दो से तीन नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए हमारी ये न्यू डिज़ाइन ड्रेस। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।